हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बॉब वही देख रहा है सुबह सुबह। ये देखो इसे, मज़ा आ रहा है इसको पूरा। और ये पता नहीं क्या लगा रखा है इसने अपने सिर पे, कुछ जाली जैसा लग रहा है मुझे। ये मकड़े की जाली है शायद, पता नहीं कहीं घुसा रहा होगा ये। ये देखो शक्ल, देखो इसको, बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो बाहर देखने में मस्त बारिश आ रही है ना, तो मैं ऐसे इनके लिए ना सुबह सुबह ही गेट खोल देती हूँ, आराम से जाली से झाँक के देखते रहते हैं बाहर ये। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ इनके लिए 6 बजे वैसे, और फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती ना, ये परेशान करते हैं मुझे कभी कभी। और देख रहा है ये बाहर, रस्टी कहाँ होगा पता नहीं। ये देखो औरा को मज़े आ रहे हैं, भागे अंदर। इसको देखना शक्ल, देखो इसकी, ये खाने के लिए मांग रहा है मुझे बार बार। ये जब जीप चाटता है ना, इसका मतलब इसको ट्रीट चाहिए, और मैं दूंगी नहीं इसे। मैं ट्रीट 3 दिन में, कभी 4 दिन में देती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं देती, फिर आदत गंदी हो जाती है इनकी। और काफ़ी तेज़ बारिश है। चलो वो आ जाओ, चलो अंदर, चलो 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 चलो। ये रहा रस्टी, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ कर रहा होगा, इसीलिए नहीं आया ये। बड़ा बदतमीज ऐसी कूदता रहता है ये, और देख रही हो उसको। चला गया, अब चला गया होगा वो गेट पे, क्योंकि जब बॉब होता है तब वो बैठता नहीं है वहाँ पे। एक लेटा रहेगा, एक अंदर रहेगा, ऐसी सीन सपाटा रहता है इनका। और इसको देखो मस्त एकदम बारिश का मज़ा लेके आगे आई है। मुँह देखो अच्छी शक्ल, ये खुश खुश सा लग रहा है मुझे आज। ये देखो ना, काफ़ी खुश है ये, खुशी खुशी। रस्टू, मैं रस्टी को बुलाती हूँ ना, एकदम बॉब तो जरूर आता है कि कुछ भी देगी तो मैं खाऊंगा पहले। ये देखो कैसे आ रहा है, देख रहे हो? और रस्टी बेचारा डर के मारे पीछे साइड ही हो गया, जबकि उसको बुलाया गया था। आ गया मेरा छोटू सा बच्चा, कितना मासूम लग रहा है ना, इसीलिए मुझे इस पर प्यार आ जाता है। देखो कैसे पीछे पीछे हटा हुआ है, आ भी नहीं रहा है, बॉब प्यार कर रहा है मुझे। ये भी आ गई, और एक को बुलाओ सब आ जाते हैं। कैसे देख रहा है वो? वैसे मैंने इनको दे दिया था सुबह ही खाना, इसको मैं दोबारा दे रही हूँ, क्योंकि इसने उस टाइम पे खाया नहीं था ढंग से, तो सबने खा लिया है। वैसे मेरा तो दोबारा सोऊंगी, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। वो देखो छिपकली देख रहा है, वो अभी भी ऊपर, पता नहीं क्या है उसको, छिपकलियाँ ढूंढता रहेगा ऊपर देख के। और इन मैडम को चढ़ना है ऊपर, इसीलिए ऐसे देख रही हैं कि शायद ये चढ़वा दे मुझे ऊपर। ये देखो शक्लें, देखो इनकी। अब मैं अब सारी चीज़ें समझ जाती हूँ, कब किसको क्या करना है। अब मैं इसको चढ़ाऊँगी तो नहीं, अरे खुद चढ़ जाएगी। वैसे अब बड़ी हो गई है ना, पहले नहीं कूद पाती थी ऊपर, अब कूद जाती है। ये देखो पूरे कूदने के उसमें, ये ऐसे ऐसे कर रही ना ये सिर, इसका मतलब है कि ऊपर उठा दो, पर मैं नहीं उठाऊंगी। और ये दोनों बैठे हुए हैं, देखो अब दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो मुझे ना इनका समझ में नहीं आता क्या है। कभी ये साथ में बैठे रहेंगे, कभी बॉब इसको धमकाता रहेगा। वैसे बॉब ही धमकाता है, रस्टी तो चुपचाप, देखो अभी भी चुपचाप बैठा हुआ है, बारिश का आनंद ले रहे हैं दोनों के दोनों। देखना रस्टी, रस्टी बेचारा वैसे दुबक के ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप बैठा रहता है। और ये मैडम चढ़ चुकी हैं ऊपर, देख सकते हैं आप विंडो पे, मज़े ले रही हैं। ये देखो अब आ जाएगी नीचे वैसे खुद से। मैं सो गई हूँ दोबारा, क्योंकि मेरी ना नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है, मेरी आंखें भी काफ़ी दर्द हो रही थी। अब देखना इनकी हरकतें। अब बॉब ने चिल्लाना स्टार्ट कर देगा कि कहाँ है कहाँ है, सोने भी नहीं देते भाई मुझे। अगर एक बार ये उठ गए, इनका टाइमिंग और मेरा टाइमिंग सेम है, तो मैं भी उठनी चाहिए।
ये भाई साहब कब से चिल्ला रहे थे ना, पीछे से आवाज़ आ रही थी, तो ये ऐसे ही करता है। अगर एक बार मैं उठ गई ना, तो अगर मैं सो गई है, मैं इसको दिख नहीं रही हूँ, तो ऐसे चिल्लाने स्टार्ट कर देता है। ये सोचता पता नहीं कहाँ चली गई, देखो आके अब लेट गया। तो भाई ये मुझे कहीं नहीं जाने देता है यार। आपकी भी कोई कैट है ऐसी जो आपका ऐसा जीना हराम कर देती है, इधर उधर भी नहीं जाने देती, सोने भी नहीं देती, बताओ। और अब मैं थोड़ी देर ना सोऊंगी, कम से कम 1 घंटा तो मुझे सोना है। अब जैसे भी सो रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बैठा रहेगा थोड़ी देर। काफ़ी देर बैठा हुआ था जब मैं रिकॉर्डिंग करी ना, कम से कम ये मेरे पास बैठा हुआ था 25 मिनट लगा लो आप। वो तो मैंने यहाँ से कट कर लिया वीडियो, बहुत लंबा हो रहा था ये, 25 मिनट मेरे पास बैठा हुआ था। सोचो, सो भी नहीं रखा है ये, देख रहा है बस इधर उधर। अब सोचो, ये देख रहे हो आप। फिर मैंने सोचा चलो इतना लंबा वीडियो जाएगा, ये चला गया था इसके बाद 25 मिनट होने के बाद। इसने तो कुछ नहीं करा, परेशान नहीं करता है, चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन ये मैडम आ गई हैं, अब देखो ये क्या करेंगी। भाई ये सोने नहीं देती है बिल्कुल भी नहीं, ये देखो। और ये कंटिन्यूस मुझे ऐसे लिख करती रहेगी जब तक मैं उठूंगी नहीं। अब ऐसा नहीं है, मैंने इन्हें खाना वाना सब कुछ दे दिया है। आपको लग रहा होगा ना कि सुबह उठ के नहीं दिया, सबसे पहले उठ के मैं इनको खाना ही देती हूँ इनका, उसके बाद मैं दोबारा सोती हूँ। फिर भी ये देखो ऐसे परेशान करते हैं मुझे, देख लो। ये देखो मैं मुंह भी ढकती हूँ ना, फिर भी ये चाटती रहेगी चाटती रहेगी। मैं सोचती हूँ चलो सो जाएगी, सोती नहीं है ये, इसको मुझे उठाना है बस, जैसे तैसे बस मैं उठ जाऊँ। और जाएगी नहीं जब तक मैं उठूँगी नहीं, देख लो बैठी रहेगी। तो मुझे ना किसी का कमेंट आया था कि आप ना ट्रीट लगाते हो अपने फेस पे, इसीलिए वो आपको लिक करती है। भाई ऐसा नहीं है, उसकी आदत हो गई है ऐसा मुझे ना लिक करने की बार बार, और पता नहीं क्यों करती है इतना बार बार चढ़ चढ़ के, बहुत इरिटेट। मैं सच बताऊँ तो मैं कभी कभी ना इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना नींद आ रही होती है, और उस टाइम पे ये करती है। बाकी ये कर ले मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं सोती हूँ ना मुझे सच में इरिटेशन हो जाती है। पर अब क्या करें, प्यार भी आता है इस पर, बच्चा ही है अपना। अब ये करती रहेगी आप देख सकते हो। अब इतनी थोड़ी ना ट्रीट लगाई होगी मैंने मुँह पर, अब इसको आदत ही पड़ गई ऐसे, अब क्या करूँ, आदत इसकी जा नहीं रही है। चाट चाट के मेरे मुंह का बुरा हाल कर देती है, जैसे मुंह भी हाइट कर लूँ ना तो नीचे से एकदम से घुस जाएगी अंदर, बस उसको चाटना है जैसे तैसे मुझे। अब करती रहेगी ये लगातार, जैसे बॉब आया वो बैठ के चला गया, रस्टी भी आता है तो मैं उसकी मसाज करती हूँ तो वो भी चला जाता है, तो उन दोनों के साथ मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये है ना मैडम, ये चाटती रहेंगी चाटती रहेंगी चाटती रहेंगी, अब कितना चाटती है ना आप सोच नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा। और कहीं जा भी रही हूँ ना तो पीछे पीछे एकदम इनकी नज़रें ऐसी रहती है ना मेरे ऊपर, खासतौर से बॉब की और ऑरा की। और क्या कहते हैं, रस्टी भी देखता है मुझे, पर इतना नहीं करता रस्टी परेशान। ये दोनों भाई, इनकी नज़रें मेरे ही ऊपर रहती हैं, मुझे ही करते रहते हैं ये परेशान दिन भर। मुझे ना काफ़ी भयंकर सी नींद आ रही है, देखो कैसे घुस रही है ना, हाथ के अंदर से भी घुस रही है, बस देखो उठाना है इसे। कभी कभी तो ये मेरी आंखें भी चाटना स्टार्ट कर देती है, लैसेस भी, मेरे को लगता है कभी लैसेस ना खा जाए ये मेरी। अब मुझे उठना ही पड़ेगा मजबूरन, मेरी हालत देख सकते हैं, मेरे डार्क सर्कल भी हो रहे हैं, मतलब काम नहीं है मेरा कुछ ऐसा, लेकिन भाई उठा नहीं जा रहा था। मेरी हालत ऐसी हो रही है ना सच में, मतलब पूरी नींद नहीं हो रही है मेरी, पर अब क्या करें, उठना तो पड़ेगा। और मैं ना थोड़ी देर के लिए बैठ गई, मैंने सोचा यार थोड़ा सा सुकून ले लेती हूँ मैं, देखो उठने की हिम्मत नहीं है। और ये देखो मेरी तरफ भी देखी जा रही है कि उठ जा भाई उठ जा, ये पूरा उठा के छोड़ेगी मुझे, ये देखो। अब बताओ कौन नहीं फिर ऐसे उठेगा जब इतना परेशान करेगी ये, तो फिर उठना ही पड़ता है मुझे एट द लास्ट। फिर कोई नहीं, अब मैं दिन में सो जाती हूँ ऐसे बीच में ना 1-2 घंटे के लिए, कभी कभी तो मैं बहुत भयंकर सोती हूँ दिन में भी, दिन में या शाम को मैं सो जाती हूँ आराम से, उस टाइम पे ये भी सोए रहते हैं ना, फिर मैं भी आराम से सो जाती हूँ। ये देखो इसको, बेचैन आत्मा है भाई, बहुत ज़्यादा बेचैन है ये। लो भाई किस लो मेरी, फाइनली अब उठ ही जाते हैं, क्योंकि अब तो ये मानेगी नहीं, तो उठ चुकी हूँ मैं। और ये भी देखो पीछे आ जाएगी मेरे एकदम। और ये भाई साहब, ये जो गायब थे ना, ये थे दरवाजे के पास बैठे हुए हैं बारिश का आनंद लेते हुए, रस्टी महाराज। इसकी जगह है ये, फेवरेट जगह, यहीं बैठा रहता है ये, इसको अच्छा लगता है काफ़ी यहाँ पे बैठना ना। और ये देखो पीछे पीछे कैसे आ गए, देखो
बॉब को देखो कैसे फैला के बैठा हुआ है। तो मैं यही तो कह रही हूँ, मैं सच में मतलब गेट के आसपास भी जाऊंगी ना, अभी तक मैं सो रही थी तो मुझे परेशान कर रही थी, अब देखो मैं इधर आ गई ना तो यहीं बैठ गई ये तीनों के तीनों। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपके पास ये कैट्स होती तो आप परेशान होते या इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते। बाय दोस्तों।